हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शफ़क किचन एंड ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की ड्रम स्टिक्स। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ड्रम स्टिक्स ली है। इसको ड्रम स्टिक कह लें या फिर आप मसाला चिकन कह लें या फिर आप जो है तंदूरी चिकन कह लें, ये मैं होममेड तरीके से बनाने वाली हूँ। इसमें कोई बाहर का इंग्रेडिएंट, बाहर के मसाले यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रम स्टिक्स पर कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। मैंने ड्रम स्टिक्स के अलावा यहाँ पर ये हड्डी वाली भी मेरी अम्मी ने ऐड की है, ये वाली चिकन। तो आप चाहें तो सिर्फ ड्रम स्टिक्स पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है ड्रम स्टिक्स पे कट लगा लिया है। ये देखिए आगे पीछे हर जगह हर साइड पे लगा लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पपीता पेस्ट ऐड करूँगी। पपीता मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी गली हुई चिकन अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं पपीता पेस्ट ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिकन गला दे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब ही पपीता का पेस्ट ऐड करूँगी। पपीता पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। देन हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास धनिया पुदीना और जो है मिर्चें पिसी हुई हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे धनिया मिर्चे पुदीने का जो पेस्ट था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ये हम 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा इसमें खट्टापन आए और ये बहुत टेस्टी लगे। ये 3 टेबल स्पून के करीब हमने लेमन जूस ऐड किया है। यहाँ पे मैंने लेमन जूस को निकाल के रखा है, वो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब ऐड किया। देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ये मिल्क पैक की क्रीम है, ये मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी में बची थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो मैंने मिल्क पैक की क्रीम भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, 3 टेबल स्पून के करीब होगी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा दही, 3 टेबल स्पून के करीब ही मैं दही ऐड करूँगी। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब। 1, 2 और ये लास्ट हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब दही। तो गाइस यहाँ पे हमने पपीता, लेमन जूस, दही, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीता, ये सब हमने इसमें ऐड कर दिया। अब बारी है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस हम क्या ऐड करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक। नमक हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब। देन हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसको कलर देने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे ताकि इसमें तंदूरी सा लुक आ जाए, कलर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया ज़ीरा भुना कुटा 1/2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे तिक्का मसाला ऐड करूँगी। ये रेडीमेड तिक्का मसाला है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए। अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो है जिसमें जाएगा वो है सोया सॉस और चिली सॉस। ये हम इसमें ऐड 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस है। इसी तरह हम चिली सॉस डालेंगे थोड़ा सा, बस इतना। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है चिकन के अंदर अच्छी तरह से लग जाएं। मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। इसके कट्स के अंदर हम अच्छी तरह से लगाएंगे मसाले को। सारे स्पाइसेस लगा के हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया। अब हमने इसको रखना कितनी देर है, हमने अगर टाइम है इसको तो 3 से 4 घंटे रखेंगे। मैं शाम को बनाऊंगी, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं तो मैं इसको 8 बजे तक बनाऊंगी। तो ये मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेट करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 1/2 घंटे मैरिनेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और मिलते हैं अब 8 बजे तक। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब की।
सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी चिकन मैरिनेट हुए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब इसको खोल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये हमने ओपन कर ली है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को काश स्मेल करवा सकती। अब इसको हम एक दफ़ा फिर से जो है मिक्स करेंगे सारा। यहाँ पे मैंने इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लिया इन सबको, ताकि इसके अंदर मसाला जो है अच्छी तरह से लग जाए। अब मैं इसको एक पैन में जो है चढ़ा दूँ। ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होने वाले हैं। इसको आप तंदूरी चिकन कह लें, इसको आप ड्रम स्टिक मसाला ड्रम स्टिक कह लें, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की चिकन बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, एक पतीली ले ली है, उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सा। बिल्कुल हमने ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा बिल्कुल, बस इतना ऑयल ऐड करूँगी मैं। और इसके अंदर मैं ये मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर दूँगी इस तरह से। और मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए सिर्फ पकाऊंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पपीता ऐड है तो ज़्यादा ना गल जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको हम इस तरह से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे आँच को बिल्कुल हल्का रखा है, ज़्यादा नॉर्मल आँच है, ना ही ज़्यादा तेज़ है ना ही ज़्यादा हल्का। सो यहाँ पर हमारी चिकन को 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं चिकन को, देखें, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इतने मज़े की चिकन बन के रेडी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी चिकन टिक्का तंदूरी चिकन बन के रेडी हो चुकी है, और ये इतनी यमी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है या नहीं किया है। ये देखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।